ओमो नमः शिवाय। दोस्तों मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में फरवरी का महीना किस प्रकार जाने वाला है। फरवरी महीने का मासिक राशिफल इस वीडियो में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। 1 से लेकर 29 फरवरी तक की समयावधि में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में ग्रहों के माध्यम से किस प्रकार की स्थिति और संभावनाओं का निर्माण आपके जीवन में होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर इस महीने आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। मेष राशि वाले जातकों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। इस राशिफल के माध्यम से हम आपके जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे फरवरी के महीने में आपका करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों की जानकारी भी देने वाले हैं, जिसको यदि आप करते हैं तो यह समय आपके जीवन में शुभता काफी ज्यादा देगा और यदि आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है उससे भी आपको निजात मिलने वाली है। मेष राशि वाले जातकों, चलिए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि फरवरी के महीने में किन किन ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है और आपकी राशि के ऊपर ग्रहीय स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। फरवरी के महीने में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। चारों ग्रह जो है माइनर ग्रह आते हैं, यानी मेजर ग्रह नहीं है, माइनर ग्रहों का भी परिवर्तन हो रहा है। फरवरी के महीने में देवगुरु जो है वो आपके प्रथम भाव पर रहने वाले हैं। शनिदेव आपके एकादश भाव यानी लाभ भाव पर पूरे महीने भर रहने वाले हैं। राहुदेव आपके राशि के द्वादश भाव पर रहेंगे। फरवरी की शुरुआत में केतु और चंद्रमा आपके सिक्स हाउस पर प्रभावी रहने वाले हैं। वहीं सूर्यदेव फरवरी की शुरुआत में आपके राशि के दशम भाव पर मकर राशि में मौजूद होकर गोचर करेंगे और 13 फरवरी को सूर्यदेव का परिवर्तन होगा। सूर्य आपके दशम भाव को छोड़कर एकादश भाव पर जाएंगे, ये शनि के साथ युति बनाएंगे, शनि के साथ इकट्ठा होकर सूर्य चलने वाले हैं। वहीं दर्शकों, फरवरी की शुरुआत में जो मंगल हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, वो तीनों प्लैनेट आपके 9th हाउस पर गोचर करने वाले हैं और तीनों ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है। 5 फरवरी को मंगल देव का परिवर्तन हो जाएगा, मंगल धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में आ जाएंगे और मकर राशि में जैसा कि आपको पता है कि मंगल जो होते हैं वो उच्च के हो जाते हैं, तो ये जो महीना है इसमें आपकी राशि के स्वामी उच्चतम अवस्था में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं, तो कुछ खास स्थिति आपके जीवन में देगा, इसी की चर्चा आगे आने वाले वीडियो में हम करने वाले हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि मेष राशि वाले जातकों को यह महीना किन किन मामलों में शुभता दे सकता है और किन किन मामलों में आपको सकारात्मकता के बजाय नकारात्मक परिणाम देगा। मेष राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से यह महीना आपके जीवन में कैसा जाने वाला है। मेष राशि वाले जातकों, कर्म भाव के स्वामी शनिदेव आपके एकादश भाव पर पूरे महीने भर रहेंगे और कर्म भाव पर सूर्यदेव की मौजूदगी रहेगी और 5 फरवरी से आपकी राशि के स्वामी दशम भाव पर आ जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे। करियर के दृष्टिकोण से मेष राशि वाले जातकों के लिए पूरा महीना अनुकूल जाने की संभावना है। इस पूरे महीने राशि के स्वामी बेहतर अवस्था में रहेंगे तो आपके कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होगी, मनोबल और उत्साह में आपको बढ़ोतरी मिलने वाली है। पूर्व के समय से यदि आपको कर्म क्षेत्र के मामले में किसी प्रकार के रुकावट का या कार्यों में रुकावट का सामना करना पड़ रहा था उससे आपको निजात मिलने वाली है। दशम भाव पर मंगल की मौजूदगी है तो वर्तमान में यदि आप पुलिस, फौज, प्रशासनिक क्षेत्रों में, आईटी फील्ड में, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स, इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में जुड़कर कोई काम कर रहे हैं, यह समय आपके जीवन में जबरदस्त सफलता दे सकता है। इस महीने व्यापार की उन्नति भी होने वाली है, वहीं व्यापारिक जीवन में आप अपना कारोबार बढ़ाते हुए भी नजर आ सकते हैं।
फरवरी के महीने में एक सबसे बेहतर स्थिति मेष राशि के जीवन में यह दिखाई दे रही है कि आपके राशि में देव गुरु की जो अवस्था है बहुत ही शानदार है और आपके राशि के स्वामी मंगल की अवस्था शानदार है। इसकी वजह से आपका सामाजिक दायरा बढ़ जाएगा और आपको मान सम्मान जीवन में ज्यादा मिलने वाला है। तो पूरा महीना करियर के दृष्टिकोण से काफी शानदार और काफी बेहतर है। उसके साथ साथ धन के दृष्टिकोण से यदि आपको इस महीने की जानकारी दिया जाए तो मेष राशि वाले जातकों धन भाव के स्वामी शुक्र माने जाते हैं और पूरे महीने शुक्र की जो अवस्था है वो आपके भाग्य भाव और कर्म भाव पर बनी हुई रहने वाली है। यहां पर धन के जो कारक होते हैं वो देवगुरु माने जाते हैं। देवगुरु आपके प्रथम भाव पर प्रभावी होकर अपनी नवम दृष्टि से आपके भाग्य भाव से संबंध बना रहे हैं। तो आर्थिक स्थिति आपके जीवन में पूरे महीने शानदार और बेहतर रहने वाली है। मेष राशि वाले जातकों के जीवन में महीने की शुरुआत से ही नवम भाव पर लक्ष्मी नारायण योग के बनने से आपके जीवन में आर्थिक उन्नति, व्यापार के माध्यम से पर्याप्त धनार्जन होने की संभावना दिखाई दे रही है। पूर्व के समय से यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का कर्ज बना हुआ है जिसको यदि आप जीवन में निपटाना चाहते हैं उसके लिए समय बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतर रह सकता है। इस महीने आपका चतुर्थ भाव काफी ज्यादा प्रभावी है तो 5 फरवरी के पश्चात चतुर्थ भाव पर जा रही मंगल की दृष्टियां आपके जीवन में भौतिक मामलों में शुभता दे सकती है। यानी पिछले समय से यदि आप कोई भूमि, भवन, वाहन लेना चाहते हैं और ज्यादा प्रयास करने के बावजूद भी आप नहीं ले पा रहे हैं, भूमि, भवन, वाहन का भरपूर लाभ आपके जीवन में होता हुआ दिखाई देने वाला है। द्वादश भाव पर राहु देव की मौजूदगी रहेगी तो धन से जुड़ी हुई योजनाओं को गुप्त रखकर आपको चलना होगा। शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे चीजों में भी यदि आप धन का निवेश करना चाहते हैं यहां पर भी आपको सावधान रहना चाहिए। फरवरी के महीने में परिवार के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों जो आपके जीवन में पारिवारिक स्थिति है वो दो प्रकार से इस महीने में विभक्त हो रही है। जो द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं वो शुक्र माने जाते हैं। शुक्र देव जो आपके राशि के 9th हाउस पर 20 तारीख तक प्रभावी रहेंगे उसके पश्चात ये आपके राशि के 10th भाव पर जाएंगे जहां ये मंगल के साथ युति बनाने वाले हैं। तो फरवरी महीने में 20 फरवरी तक आपको पारिवारिक जीवन में जो स्थिति है बहुत ही सकारात्मक दिखाई दे रही है। संबंध पारिवारिक स्थितियों में काफी शानदार बन सकता है। उसके पश्चात आपको संभल कर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। मेष राशि वाले जातकों यदि आप पारिवारिक जीवन से जुड़ी हुई जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने का प्रयास करते हैं तो स्थिति आपके जीवन में काफी शानदार रहने वाली है। 13 जनवरी के पश्चात सूर्यदेव आपके 11th भाव पर शनि के साथ युति बनाएंगे तो यहां पर भी आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाकर चलना होगा। भाई बहनों के साथ भी अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलना होगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए पंचम भाव जो है प्रेम जीवन के लिए जिम्मेदार माना जाता है। पंचम भाव के स्वामी आपके राशि के 10th भाव पर 13 फरवरी तक प्रभावी रहेंगे। उसके पश्चात ये 11th भाव पर प्रभावी होने जा रहे हैं। तो प्रेम जीवन के मामले में महीने में मध्य तक स्थिति आपके जीवन में काफी शानदार दिखाई दे रही है। शुक्र की बेहतर अवस्था और सूर्य देव की बेहतर अवस्था प्रेम जीवन में आपको उत्साह के साथ सकारात्मकता प्रदान कर सकती है। वहीं वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, पूरे महीने भर राशि के स्वामी मंगल काफी अच्छी अवस्था में विराजित हैं और आपकी राशि के 7th भाव के स्वामी काफी अच्छी अवस्था में विराजित रहने वाले हैं। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से मेष राशि वाले जातकों के जीवन में यह समय श्रेष्ठता और बेहतर प्रभाव आपको देने वाला है। देव गुरु की 7th दृष्टि आपके राशि के वैवाहिक भाव पर जाने वाली है तो मेष राशि वाले जातक रिश्तों को संभालने की पूरी कोशिश करेंगे और आप अपनी मीठी वाणी के द्वारा सामने वाले व्यक्ति का यानी पार्टनर का दिल जीतने में भी सफल रह सकते हैं। यहां पर मेष राशि वाले जातकों को कुछ खास बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। देखिए यदि आप वैवाहिक जीवन में जुड़कर चल रहे हैं तो यहां पर आप एक बात का विशेष ध्यान रखकर चलें कि आपके अंदर जो उग्रता है, जो अहम का भाव है, यह वैवाहिक जीवन में लगातार तकरार, विच्छेद और नकारात्मकता देता है।
तो मेष राशि वाले जातकों को अपने क्रोध से नियंत्रण बनाकर चलना चाहिए, क्षणिक गुस्से से आपको दूरी रखना चाहिए, तो वैवाहिक जीवन आपका काफी ज्यादा शानदार रहेगा और काफी बेहतर रहने वाला है। इसमें आपके लिए समन्वय की स्थिति ज्यादा बेहतर रहने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों, सेहत के मामले में यह पूरा महीना मिला जुला परिणाम आपको देने वाला है। राशि के स्वामी मंगलदेव दिग्बली और उच्च अवस्था में पूरे महीने भर रहेंगे। वहीं राशि के रोग भाव के स्वामी बुधदेव महीने के मध्य तक काफी बेहतर अवस्था में रहने वाले हैं, उसके पश्चात ही आपके राशि के लिए ज्यादा बेहतर नहीं है। तो मेष राशि वाले जातकों को, चूंकि देवगुरु भी आपके प्रथम भाव पर प्रभावी हैं, तो यहां पर आपको शारीरिक और मानसिक रूप से गंभीर समस्याएं दिखाई नहीं देंगी। देव गुरु का प्रथम भाव पर प्रभाव बना हुआ रहेगा, तो मेष राशि वाले जातकों को हेल्थ का मौसम परिवर्तन से जो बीमारियां होती है उसके प्रति सावधान रहना होगा। यदि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हुए तो आपको समस्याएं महीने के 15 तारीख के पश्चात ज्यादा परेशान कर सकती है। तला भुना भोज पदार्थ, शराब, मांसाहार, धूम्रपान जैसे विषयों से भी मेष राशि वाले जातकों को बचने की आवश्यकता रहने वाली है। यह समय आपके जीवन में काफी अनुकूल और काफी बेहतर रहने वाला है। उपाय की जानकारी दिया जाए, उस पूरे महीने जो ग्रही योग है और जो ग्रही अवस्था आपके लिए बहुत ही सकारात्मक और बेहतर बनी हुई है, यहां पर मेष राशि को कुछ खास बातें जरूर ध्यान रखकर चलनी चाहिए। क्षणिक गुस्सा आप अपने जीवन में हावी ना होने दें तो स्थिति आपके लिए काफी बेहतर रहेगी। गुप्त योजनाओं को या जीवन में जो भी काम आप कर रहे हैं, वो जो योजनाएं आप बना रहे हैं उसको आप साझा करने से बचें, अन्यथा आपको समस्याएं हो सकती है। उसका धार्मिक उपाय की जानकारी अगर आपके लिए दिया जाए, कुंडली के द्वादश भाव पर राहु देव मौजूद हैं, यह स्थिति आपके लिए ज्यादा बेहतर नहीं है। इसके लिए कम से कम 3 बुधवार तक आपको तेज बहते हुए पानी में 250 ग्राम जौ और 1 सूखा नारियल अपने शरीर से एंटी क्लॉक वाइज उतार कर यदि आप पानी में प्रवाहित करते हैं तो स्थिति आपके लिए शानदार रहने वाली है। प्रतिदिन यदि आप सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो भी स्थिति आपके जीवन में बेहतर रहने वाली है। मेष राशि वाले जातकों, राशि के स्वामी मंगल माने जाते हैं। मंगल की अवस्था को यदि आप जीवन में बेहतर रखना चाहते हैं, रोगियों की, गरीब वर्ग की, मंगलवार के दिन आप यथाउचित मदद जरूर करें। उसके साथ साथ यदि आप बंदरों में गुड़ और चने डोनेट करते हैं, गायों के लिए यदि आप हरे चारे का प्रबंध करते हैं, स्थिति आपके जीवन में काफी शानदार और बेहतर रहने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।